हेलो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से लेके आया हूं आपके लिए क्लास एक्टिव पैसिव की। इसमें हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने नेगेटिव सेंटेंस तक देख लिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVESENTENCE। इंटरोगेटिव अपने आप में तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं, जो हम अपने अंदाज में बोलते हैं इसे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे यस या नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे सिंगल इंटरोगेटिव INTERROGATIVESENTENCE, ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं सिंगल इंटरव्यू सेंटेंस क्या होते हैं, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसका रूल देखते हैं। रूल, यदि वाक्य में इज, एम, आर, इज, एम, आर सबसे पहले आए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, यदि बाकी में जिमार सबसे पहले आई तो पैसिव वॉइस बनाते समय नाते समय इज, एम, आर सबसे सबसे पहले लगाते हैं, पहले ही लगाते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा देते। ये इसका रूल है। क्या देखो, इज, एम, आर सबसे पहले देखेगा तो इसे यस नो टाइप इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन हमें सुविधा की दृष्टि इसका नाम सिंगल इंटरव्यू रखा गया, ठीक है। सिंगल इंटरव्यू में इज, एम, आर सबसे पहले आता है, और जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो इज, एम, आर सबसे पहले ही रहेगा, लेकिन जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद बीइंग जुड़ जाएगा। फॉर्मेट एक बार और देख लो, इसका फॉर्मेट ज़्यादा जरूरी पड़ता है और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी ऑफ एम बी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मेट है। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। चलो इसका आप एग्जांपल देखते हैं। सीमा, पहले इज आएगा, ठीक है, इज सीमा कॉलिंग हर, ठीक है। ये पैसिव एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनेगा तो हर है, हर का सी हो जाएगा और सी के साथ इज आता है। इज सी बीइंग कॉल्ड बाय सीमा, कौन है सीमा। आगे एग्जांपल देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल करते हैं इसका। एम आई वॉशिंग द क्लॉथ्स, एम आई वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो द क्लॉथ्स है, ठीक है, द क्लॉथ्स है, ये प्लूरल है, तो आर द क्लॉथ्स
बीइंग बॉस्ड बाय मी। देखो रूल क्या है पैसिव वॉइस का, कि अगर पैसिव वॉइस में ईजीएमआर सबसे पहले आएगा तो पैसिव एक्टिव वॉइस में ईजीएमआर सबसे पहले आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय ईजीएमआर पहले ही लगाना पड़ेगा, फिर नया सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा, उसके बाद बीइंग लगाया जाएगा, फिर जो आईएनजी वाले फॉर्म में उसे थर्ड फॉर्म में बदल देना है, उसके बाई लगा देना है और तुरंत ही सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आगे आ जाएगा। आगे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। बस ये था इंटरोगेटिव सिंगल वाला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आगे वाला वाई टाइप इंटरोगेटिव होता है, लेकिन इसका नाम जो हमने दिया है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल होता है यदि वाक्य में आई डब्ल्यू सबसे पहले आए, पहले आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आई डब्ल्यू इंटरोगेटिव वर्ड होता है, आई डब्ल्यू सबसे पहले ही लगाते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग लगाते हैं। ये इसका इंटरोगेटिव वाले का दूसरा इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा, कि आई डब्ल्यू सबसे पहले होगा तो उसे क्या कर देना है, आई डब्ल्यू पहले लगा देना पैसिव वॉइस में, उसके बाद इजीएमआर लगा देना है, फिर सब्जेक्ट और बीइंग। फॉर्मेट देख लो इसका, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेटिंग ऐसे होती है सबसे पहले यहाँ आएगा आई डब्ल्यू, फिर आएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट है, यानी कि सबसे पहले आई डब्ल्यू लगेगा, फिर एजेएमआर लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और फिर बीइंग लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म एम बी लग जाएगा, फिर बाय लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव वॉइस है, Why is he reading the book? ये टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले why का, तो भाई हमने कहा था इंटरव्यू कुछ नहीं कर तो वही लगा दो, ठीक है। अब देखो द बुक है तो इज आ जाएगा, द बुक पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में सर यहाँ वर्ब आती है तो ये द बुक सिंगुलर तो इज आ गए, फिर बीइंग लगा दो। अब बीइंग के बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीडिंग का आर ये दी रीड बाय ही का हिम ऑब्जेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं एग्जांपल,
When are they? When are they learning the English? Learning English that other. ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनेगा इंग्लिश, पहले वैन आएगा, ठीक है, मैन इज इंग्लिश, देन इज इंग्लिश बीइंग लर्नड, एल ई ए आर एन टी, लर्नड बाय देम, टी एच ई एम, ये पैसे बस बन गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए, अब नेक्स्ट चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, आगे एग्जांपल एक दो और करते हैं, उसके बाद आगे करूँगा। वेयर Are you calling them? ये एग्जाम्पल है, पैसिव वॉइस बनेगा तो where का where आ जाएगा। Where are they being called by you? ये पूरा टेंस हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट रूल होता है इसका स्पेशल इंटरोगेटिव, एस पी ई सी आई ई एल, स्पेशल इंटरोगेटिव। इसमें सबसे पहले रूल लिखेंगे, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में हु आए, क्या है हु आए, तो इसे बाय हुम में बदल देते। अगर हु दिखेगा तो बाय हुम में बदल देते हैं, और इसका फॉर्मेट लिखो, ठीक है, बाद बाकी चीज़ें फॉर्मेट से क्लियर हो। तो बाय हुम पहले लगाया जाएगा, फिर प्लस इज हो सकता है, एम आ सकता है और आर आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीइंग आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी, प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। ये इसका फॉर्मेट है, थोड़ा कमाल का फॉर्मेट, इसको अच्छे समझ के जाना। इसके एग्जांपल देखते हैं, यह तक चीज़ें क्लियर हुई। हु दिखेगा तो बाई हुम में बदल देना है, अगर हु आ जाए तो बाई हुम में कर देना है। फॉर्मेट ऐसे कुछ होता है, बाई हुम पहले आ जाएगा, फिर एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ एम बी आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। देखते हैं एग्जांपल कैसे बनता है जरा। हु इज ईटिंग द मैंगो, ये टेंस है। तो हमने बताया हु देखेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस हु का होगा बाय हुम, क्या हो जाएगा बाय हुम। अब द मैंगो है तो इज आ जाएगा, द मैंगो बाई हुम इज द मैंगो बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईटन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बन गया सॉल्यूशन, आगे देखते हैं। हु इज राइटिंग अ लेटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम, सबसे पहले हमने कहा हु देखेगा तो बाय हुम तुरंत कर दो,
अब पीछे देखो ऑब्जेक्ट सिंगुलर का है तो इज आ जाएगा, आ लेटर आ जाएगा, यही सब्जेक्ट बन जाएगा, बीइंग और राइट का रिटर्न डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। थर्ड फॉर्म से अच्छे से याद कर लेना, बिना थर्ड फॉर्म का पैसे बस नहीं बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, ये टेंस है। हु इज यू, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों से सॉल्यूशन बनाओ, किसी एक को लेके आप सॉल्यूशन बना सकते हो। हम पहले यू से बनाते हैं तो हु को बाय हु में बदल दो, हु को बाय हु में बदल दो, फिर अब यू ले रहे हो तो आर लगा दो, बीइंग लगा दो, टाट टी ए यू जी एट ई लगा दो, इंग्लिश लगा दो, टॉट इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एन। एक तो ये सॉल्यूशन बन गया, और इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। बाय होम, अब इंग्लिश लेंगे तो इज आ जाएगा, ई एन जी एल आई एस एच। अगर इस ऑब्जेक्ट उठाओगे तो ये वाला कुछ नहीं करेगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाओ तो इंडायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, वो वहीं को वहीं रहेगा। बाय होम इज इंग्लिश बींग बींग, थर्ड फॉर्म इसका टीच है तो टॉट आ जाएगा, टी ए यू जी एच टी टॉट यू, इसका एक बन गया। ये तक चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अब इस टेंस का नेक्स्ट रूल, आखिरी रूल कराने जा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में इसका रूल आगे बताएंगे। स्पेशल इंटरव्यू नेक्स्ट रूल बचा है उसको, तो तब तक हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड डे ऑल।